हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली जॉब न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जो ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर निकली है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ऑफिसर स्केल के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को यानी डेली जॉब न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले एक शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं हम यहाँ पे। वैकेंसी जो है वो IBPS RRB में है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है। पोस्ट नेम जो है वो ऑफिस असिस्टेंट का है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। टोटल पोस्ट जो है वो 4614 पोस्ट है और लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2020 है। अब एक पूरी डिटेल देखते हैं कि फुल मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 1 जुलाई 2020 यानी आज से स्टार्ट है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2020 है, यानी हमारे पास 20 दिनों का टाइम है। फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट वो 21 जुलाई 2020 वो भी है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो 24 से 29 अगस्त 2020 के बीच में आ जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद PT एडमिट कार्ड जो है वो अगस्त 2020 में आ जाएगा और एग्जाम डेट जो प्री एग्जाम होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड की डेट अभी दी नहीं गई है, लेकिन जो PT एडमिट कार्ड है वो अगस्त 2020 में आ जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC और EWS यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 850 रुपये का फीस रखा गया है। बाकी जो उसके बाद SC ST और PH कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये की फीस रखी गई है। पेमेंट मोड जो है वो आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई चलान और कैश कार्ड के द्वारा भी। ठीक है, अब बात करें एज लिमिट की, तो एज जो है आपकी वो 1 जुलाई 2020 से जोड़ी जाएगी। मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल की होनी चाहिए। आयु सीमा में छोड़ जो है वो नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन का लिंक नीचे वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 4614 है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखी जाए तो जनरल के लिए 1956 वैकेंसी है, OBC के लिए 1095 वैकेंसी है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 436 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो 811 है और ST के लिए जो वैकेंसी है वो 316 है। तो कुल मिलाकर टोटल 4614 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। कंप्यूटर में लोकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास और थोड़ा वर्किंग नॉलेज भी कंप्यूटर की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी देखिए किस बैंक में कितनी है उसके लिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। बड़ौदा UP बैंक में 276 182 अलग अलग वाइज है। ठीक है, तो कई सारे बैंक है, कई सारी वैकेंसी इसमें है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मतलब यहाँ पे सारी डिटेल मिल गई, क्या क्या जरूरी है वो सब आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो जो अप्लाई ऑनलाइन यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म भरने का है वो निम्न लिंक पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया वीडियो को तो आप देख रहे हैं, और फॉर्म किस तरह भरना है उसका वीडियो चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो हमारे द्वारा दी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।